सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एहतिशाम अहमद अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिक्स मसाला। स्वागत है आपका टेक न्यूज टुडे के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक न्यूज शुरू करने पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे 410 या 409 कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं और मैं 500 सब्सक्राइबर पूरे होने पे एक गिव अवे करने वाला था फोट्रॉन के ब्लूटूथ स्पीकर का। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी और अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और जो सब्सक्राइब करे तो बहुत अच्छी बात है। 500 सब्सक्राइबर जल्दी ही पूरे होंगे, मैं उस स्पीकर का गिव अवे करूंगा। तो दोस्तों, इसी बात पे दबाइए सब्सक्राइब का बटन और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेक न्यूज। सबसे पहली न्यूज है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के गैलेक्सी S8 और S8 प्लस को लेके ये दोनों मोबाइल की प्राइस सैमसंग ने कुछ कम की है और ये नई प्राइस के साथ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप वहां जाके ले सकते हैं। अगला अपडेट भी है सैमसंग की तरफ से ही। सैमसंग के गैलेक्सी A7 और A5 के 2017 एडिशन के लिए इन दोनों मोबाइल फोन की प्राइस एक बार कंपनी ने कम की थी और सैमसंग ने अब दोनों की प्राइस फिर से कम कर दी है। और जो नई प्राइस है वो है गैलेक्सी A7 की है 20,990 रूपए और गैलेक्सी A5 की है 17,990 रूपए। अगर आप है इंटरेस्टेड सैमसंग के गैलेक्सी A7 या A5 में तो आप इसे जाकर ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर शॉप पर जाकर भी। अगला अपडेट है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने आज अपने नए फोन लॉन्च किए हैं। एक है हुआवे मैट 10 और दूसरा है हुआवे मैट 10 प्रो। दोनों ही फोन में आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों फोन में आपको 18:9 वाली स्क्रीन मिलेगी और जो बेजल्स होंगे वो काफी पतले पतले हैं। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक होगा 4 GB रैम, दूसरा 6 GB रैम। और इन फोन्स का जो तीसरा वर्जन है वो है हुआवे मैट 10 पोर्श वर्जन। और न्यूज के मुताबिक मैट 10 पोर्श वर्जन की प्राइस 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि हुआवे इस प्राइस में फोन लॉन्च करके क्या साबित करना चाहता है और क्या तीर मार लेता है। अगला अपडेट है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने चाइना में अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है और ये फोन है Redmi 5A। पिछले साल शाओमी ने अपना Redmi 4A लॉन्च किया था, ये उसी का अपग्रेड वर्जन है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर मिलेगा और कंपनियां कहना ऐसा है कि इस फोन में आपको 8 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि इंडिया में ये फोन कब आता है। ये एक बजट सेगमेंट का फोन है, इंडिया में कब आएगा और किस प्राइस में आएगा दोस्तों, ये देखते हैं। अगला अपडेट है जियो की तरफ से। जियो के यूजर्स अब 11 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ 68 लाख के तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, अब की बार तो इस मंथ में जियो के यूजर थोड़ा स्लो बढ़े हैं, लेकिन इतने कम टाइम में इतने ज्यादा नंबर अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है। और जियो ने 13 करोड़ 68 लाख सब्सक्राइबर अपने पूरे कर लिए हैं। अब जियो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं कि जियो आगे हमारे लिए और क्या क्या नए नए प्लान लाता है और डेटा हमारे लिए कितना सस्ता करता है। तो दोस्तों, यही थी आज की सारी टेक न्यूज। आज टेक न्यूज कुछ खास थी नहीं, बहुत कम टेक न्यूज थी, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था इसलिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और फटाफट से शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, जय हिंद।